एंडेड लास्ट आई थिंक यहाँ तक कर लिया था हमने, ये इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग मार्जिन ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, और ये होते क्या हैं और इनका यूज़ क्या है हमने थोड़ा सा समझा था। ये वही शीट है पीआई इंडस्ट्रीज की जो हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सर नहीं वॉइस नहीं आ रही। सर एक मिनट सर, वो म्यूट हो जाता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। लास्ट में कह रहा था कि अब मेरी आवाज आ रही है अब, हेलो। अभी हाँ अभी आ रही। अच्छा, लास्ट जब हम लोगों ने ये शीट देख रहे थे क्वार्टरली वाली, तो हम लोगों ने ये क्वार्टरली नंबर्स देखे थे एंड दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइन। बाकी एबिट क्या होता है, एबिटा क्या होता है, ईपीएस कैसे है ईयर ऑन ईयर और कितने बिप्स हैं। मैंने बोला था कि ये जो फिगर्स मैंने लिखे हुए हैं ये इसको हम देखेंगे। बेसिकली ये फिगर्स क्या हैं, मैंने डेटा शीट में से कैपिटल एम्प्लॉयड उठा के रखा है और ये कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने यहाँ लेके रखा है। तो आप देखेंगे ये चार क्वार्टर के लिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहेगा, बिकॉज मैं क्वार्टरली आरओसी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बिजनेस की, राइट। तो ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ये मेरा ईयर ऑन ईयर, और ईयर ऑन ईयर के नंबर्स जो मैं यहाँ भी देख रहा हूँ दूसरे फॉर्म में, ये यहाँ पर भी सेम की सेम चीज़ें हैं जो हम मोर लेस डिस्कस कर चुके हैं। एंड व्हाट वाज माय इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग मार्जिन्स विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी डेटाबेसिस और एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट व्हाट डू वी गो एंड सी इज़ कि जब भी क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, इट इज़ अ गुड आइडिया टू फर्स्ट गो एंड लुक एट द YTD नंबर्स। नाउ व्हाट आई मीन बाय YTD, अगर मेरा Q1 का नंबर आ रहा है तो मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूंगा, अगर मेरा Q2 का नंबर आ रहा है तो मैं 6 मंथ्स का देखूंगा, Q3 का नंबर आ रहा है तो मैं 9 मंथ्स का देखूंगा, और Q4 आ रहा है तो फिर मुझे एनुअल देखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, सिर्फ उन नंबर्स को क्लब कर रखा है। सो दीज आर माई ईयर ऑन ईयर नंबर्स ऑन अ क्वार्टर बेसिस, दिस इज 6 मंथ्स बेसिस, 9 मंथ्स बेसिस एंड 1 ईयर बेसिस, ठीक है। तो कितना उसमें ग्रोथ हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन, ये सारे डेटा ऐड कर रखे हैं ऊपर के इन इन डेटा पॉइंट्स से, और इसी तरीके से कितना मेरा मार्जिन ग्रो हुआ जो हम लोग इस बॉक्स में यहाँ देखते हैं, कितना मेरा मार्जिन ग्रो हुआ, ये मेरा क्वार्टरली, ये 6 मंथली, 9 मंथली या 12 मंथली, कितना मेरा मार्जिन ग्रो हो रहा है और कितना मेरा मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम लास्ट रिपोर्टेड पीरियड टू करंट रिपोर्टेड पीरियड। अभी कोई बता सकता है कौन से क्वार्टर के नंबर्स निकले हैं लास्ट? सितंबर सितंबर सर, Q1 है Q2 है, क्या होता है सितंबर में? तो मुझे जो नंबर देखने चाहिए, मुझे ये वाला बॉक्स देखना चाहिए, ये वाला बॉक्स। अगले जो क्वार्टर के नंबर्स आएंगे फिर मुझे ये वाला बॉक्स पहले देखना चाहिए, दिस वुड बी नंबर वन एंड आफ्टर दिस दिस वुड बी नंबर टू, राइट। नाउ हियर दिस इज़ द कॉमन साइज, कॉमन साइज मतलब मैं हर चीज़ को सेल से डिवाइड कर रहा हूँ। ये मेरा सेल्स आ गया, मेरा जो करंट क्वार्टर रहेगा वो इस येलो कलर के बॉक्स में रहेगा जिसको मुझे इस बॉक्स से कंपेयर करना है। यहाँ पर मेरा एक्सपेंसेस फ्रॉम 75% इज गोन अप टू 78%, मेरा खर्चा बढ़ गया, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसी वजह से गिर गया क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ गया, अदर इनकम वही 2-3% के आसपास है। यहाँ जो मेरा खर्चा बढ़ा वो मेरा एबिटा में भी इफेक्ट आ गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम हो गया, सॉरी डेप्रिसिएशन कॉस्ट सेम है एंड दिस इज ऑल्सो सेम, सो फ्रॉम 22% आई एम डाउन टू 19% बिकॉज ऑफ दिस खर्चा विच इज़ माई एक्सपेंसिस। इट कुड बी एम्प्लॉय कॉस्ट, इट कुड बी रॉ मटेरियल कॉस्ट, दैट वी कैन लुक इन द डिटेल्स। सो सिमिलरली माई नेट प्रॉफिट मार्जिन आर ऑल्सो डाउन, अब वो पिछले क्वार्टर से बढ़ रहा है घट रहा है, दिस इज माई कंपेरिजन। नाउ नंबर्स देखने में समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा उस पर हैबिचुअल होने में टाइम लगता है। सो किसने कहा है कि अ पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स, सो दीज आर द पिक्चर्स इन द शीट। मेरा सेल्स क्या चल रहा है, मेरा एक्सपेंसेस क्या चल रहा है, ये जो ये वाले बार्स हैं ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, और ये जो मेरा लाइन है ये मेरा सेल्स का लाइन है। सिमिलरली मेरा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट पिछले 8-10 क्वार्टर में क्या चल रहा है, माय पीबीटी एंड पीएटी का कंपैरिजन,
सिमिलरली माय ओपीएम एंड ग्रोथ स्ट्रक्चर वाईओवाई, मेरा ओपीएम ग्रोथ स्ट्रक्चर जो पहले 50% था आज गिर के 4% रह गया है। एंड दिस इज़ माई ई पी एस ऑन अ वाई ओ वाई बेसिस, मेरा ई पी एस कहाँ जा रहा है और मेरा वाई ओ वाई ई पी एस में कितना परसेंट ग्रो कर रहा है या घट रहा है, जस्ट द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा विच यू हैव सीन अबव। एंड लास्ट वॉट वी हैव इन दिस शीट इज मेरा टू क्वार्टर का ट्रेंड कितना चल रहा है। सो फ्रॉम ईयर फ्रॉम दिस पीरियड द नेक्स्ट टू क्वार्टर एवरेज इट इज़ रिकवरिंग, जो -13 हो गया था टू क्वार्टर एवरेज ई पी एस इज नाउ +13। माई सेल्स हैव ऑल्सो पिक्ड अप इन द लास्ट टू क्वार्टर एवरेज। सो दिस इज ऑल देयर इज टू द शीट इन द क्वार्टरली। अभी ये बॉक्स क्या है, ये जो चार चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे को ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करना है, राइट? तो अब अगर मुझे 2019 को कंपेयर करना है उसके पहले वाले नंबर से, तो मुझे वो नंबर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो मेरा डेटा है वो लास्ट 10 क्वार्टर्स का आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनर पर जाना पड़ेगा, एंड सिंस द कंपनी इज़ पी आई इंडस्ट्रीज, ये दिसंबर का क्वार्टर यहाँ पर आ रहा है, दिसंबर और ये दिसंबर, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आ रहा है। सो सेल्स -2 इज़ दिस फिगर 708 करोड़, यहाँ पर मैं 708 करोड़ लिखूँगा। सेल्स -1 मतलब पिछला एक क्वार्टर और पिछले दो क्वार्टर, यहाँ पर मैं 805 करोड़ लिखूँगा मैन्युअली, क्योंकि ये डेटा मेरे को एक्सपोर्ट नहीं होता है। नेट प्रॉफिट इज़ 108 करोड़ एंड माई नेट प्रॉफिट ईयर इज़ 126 करोड़। ये चार डेटा पॉइंट मैंने यहाँ फीड करे तो मेरा ये जो बॉक्स है फ्रॉम दिसंबर ऑफ 2019 टू शो मी द ट्रेंड, दिस विल शो मी द ट्रेंड, राइट? अगर मैं ईयर ऑन ईयर सेल्स देखता हूँ तो ईयर ऑन ईयर सेल्स फ्रॉम 40% दिस इज ग्रोइंग वेरी मैसिवली टिल ईयर हैज स्लोड डाउन इन द लास्ट टू क्वार्टर्स विच इज़ Q1 एंड Q2। सिमिलरली जो मेरा प्रॉफिट भी बहुत मैसिवली यहाँ ग्रो कर रहा था हैज स्लोड डाउन इन द लास्ट टू क्वार्टर्स। अगर आप देखो कि टेंटेटिवली फ्रॉम जून का महीना टिल मे बी मार्च का महीना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्वार्टर में एक डीग्रोथ आ जाए, तो ये जून टू मार्च स्क्रीनर, जून 20 टू मार्च 21, मोटा मोटा 8-10 महीने हो गए। जून, दिस वाज जून, हाँ फ्रॉम जून 20 1500 का स्टॉक आपका कोविड की फॉल से पहले 2400 होता है, उसके बाद कोविड की फॉल आती है, वो तो किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन आने वाला है, कोविड आने वाला है। सो व्हाई दिस हैपेंड, बिकॉज द नंबर्स वर ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली एंड नाउ द नंबर्स हैव स्टार्टेड स्लोइंग डाउन। नॉट दिस डज नॉट मीन दैट माई स्टॉक प्राइस शुड अगेन गो डाउन हियर, इट कैन नॉट गो अप हियर, दिस इज जस्ट व्हाट द नंबर्स आर टेलिंग मी। सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू वी यूज दिस बॉक्स, ओके? सो एनी क्वेश्चंस कि हाउ द शीट इज मेड इन द क्वार्टरली पार्ट, अभी तक वी हैव डिस्कस द क्वार्टरली शीट एंड व्हाट इज माय क्वेश्चन टू एवरी वन ऑफ यू इज व्हाट इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द शीट। आपका आवाज कम आ रही है, नहीं यार इसे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। रो नंबर कौन सा बोल रहे हैं सर आप? 91, हाँ 91। सर आप मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी ना के बराबर आ रही है, लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। No, it's clear, sir. It's incremental OPM on incremental sales growth. Yes. So that I have discussed in the last part. Incremental OPM on the incremental sales growth. Okay, so anybody has any questions how this sheet has been structured? Now my one question to every one of you, what is the most important part of this sheet? ऐसा क्या है जो सबसे ज़्यादा important है यहाँ? EBIT. Okay, and what else? OPM, incremental OPM, sir.
पर ये सब चीजें आती कहाँ से है? इसमें देखना है सर कि मेरा सेल्स जितना बढ़ रहा है और मेरा खर्चा उतना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उससे कम सबसे बढ़े। मेरा इम्पोर्टेंट लाइन है ये, अगर साला सेल्स ही नहीं होगा तो ये बाकी की शीट किस काम की? ठीक है, चाहे वो एबिट हो चाहे वो इंक्रीमेंटल ओपीएम हो, अगर मेरे इस धंधे में सेल ही नहीं आएगी तो बाकी का किस काम का? एग्रीड, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 100% सर। अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, सो दिस वॉज पी आई इंडस्ट्रीज एंड रीड दिस, जस्ट रीड दिस बॉक्स, नॉट दिस अभी नहीं, पहले आप ये पढ़ो, पॉइंट नंबर थ्री। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, आप लोग रीड करो। क्या समझ में आता है इसको पढ़ के? सेल्स में कुछ परफॉर्म किया जा सकता है, रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है इस विषय पर, और सेवन द ऑडिटर हैज पॉइंटेड आउट दैट द रेवेन्यू प्रेजेंटेड आर द अमाउंट्स हायर देन व्हाट वाज एक्चुअली द सेल्स जनरेटेड बाय द कंपनी। सो अगर मेरा ये सेल का जो टॉप लाइन है इसमें ही गड़बड़ है तो फिर नीचे जाने का मतलब ही क्या है? तो सब कुछ ही गड़बड़ है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो ये दिसंबर 19 का पीरियड है, मान लो, या मान लो सितंबर 19 का पीरियड है, द कंपनी हैज टेकन सम सेल्स फ्रॉम हियर एंड शिफ्टेड इट टू द नेक्स्ट क्वार्टर। पॉइंट नंबर टू, द कंपनी हैज, अभी हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, द कंपनी हैज टेकिन सम सेल्स फ्रॉम सितंबर नेक्स्ट ईयर, जो कि एक साल के बाद आएगा, एंड शोन इट ओवर ईयर। ये सिर्फ दिखाने का या पढ़ाने का मतलब यही था कि ऑडिटर आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में जेन्यूनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक डिटेल्स देगा। इस कंपनी के अंदर इन्वेंट्री का भी कुछ पंगा है, बिकॉज दे से 50% तो मेरे एसेट की इन्वेंट्री ही है, राइट? और इसमें रिसीवेबल्स का भी पंगा है। सो हाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ द सेम इन हिज ऑडिट एंड व्हाट द कंपनी इज शोइंग। द नेम ऑफ द कंपनी इज बेला कासा, जो कि बेडशीट्स बनाती है, एंड द कंपनी इज फ्रॉम जयपुर। सो आर दीज थिंग्स पॉसिबल कि मैंने यहाँ से सेल उठा के यहाँ यहाँ फेंक दी और यहाँ से थोड़ी सेल्स यहाँ ले ली, ताकि ये जो मेरा सेल्स का कर्व है ये स्मूथ रहे? अगर उसको ऑर्डर मिले तो हो सकता है ना सर, जिसकी डिलीवरी बाद में देना है तो वो सोच रहा है कंपनी की उसका सेल्स तो नेक्स्ट क्वार्टर में होना ही है, तो नहीं 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 थोड़ा एक तो पहले को। एक तो चलो वो ऑर्डर मिला तो वो उसको डिफर्ट हो गया कि डिफर्ट सेल्स हो गई। मैं बोल रहा हूँ कि जो सेल्स आगे आने वाली 2-3 क्वार्टर बाद, वो उसको आज ही शो कर दे, ताकि मेरा जो उस क्वार्टर में सेल डिप आ रहा हो वो मेरा कंप्लीट हो जाए, मतलब एक मेरा इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहे। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये ऑडिट को कैसे पता वो सेल्स ज्यादा दिखाया है? क्या ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर को कैसे पता चला सर कि वो सेल्स ज्यादा दिखाया है वहां पे? ऑडिटर को तो बुक्स, रिसीवेबल्स। हाँ, ऑडिटर को तो बुक्स आते हैं ना सर। अगर मेरा रिसीवेबल कलेक्ट नहीं हो रहा है, अगर मेरा ये जो स्क्रीनर में लाइन है, यहाँ पर जो एक लाइन आती है विच इज़ माई डेटर डेज, ये अगर मेरे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और डेटर डेज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ रेट है वो मेरी सेल्स के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, तो तकलीफ है। हाँ वो तो है। और मेरे डेटर डेज बढ़ रहे हैं और कलेक्शन आ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा वो सेल बोगस है, उसका डेटर आना ही नहीं है। और कभी कभार क्या होगा, इस डेटर डेज को
इस जो मेरा ये ट्रेड रिसीवेबल्स है, अगर मैं बोगसली ट्रेड रिसीवेबल्स को रिसीव दिखा देता हूँ, समझना इस बात को ध्यान से। मान लो मेरी सेल्स फेक है और मेरे डेटर डेज बढ़ते जा रहे हैं, एनालिस्ट को दिख रहा है कि डेटर डेज बढ़ते जा रहे हैं, रिसीव बढ़ते जा रहे हैं, तो सबको डाउट आ गया है। अगर मेरे डेटर डेज को मैं कम कर देता हूँ और बोगसली मैं मेरे रिसीवेबल्स को कलेक्शन दिखा देता हूँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि जब मेरा ये नंबर ऑफ डेटर्स है, जो करोड़, ये जो जो भी नंबर ऑफ करोड़ है, यहाँ से कम हो गया, तो क्या बढ़ेगा? मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा। कैश बैलेंस के ऊपर बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, लेकिन अब कैश तो है ही नहीं, तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, राइट? तो सीधा सच्चा क्या करेगा कंपनी वाला, इस फिगर को छुपाने के लिए वो आपको या तो CWIP में या एसेट में घुसा देगा, ठीक है? क्योंकि बैलेंस शीट हैज टू बैलेंस, टोटल लाइबिलिटीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। ये फिगर और ये फिगर जो मेरा है वो हमेशा मैच करेगा। अगर मैं यहाँ इसको कैश में छुपाता हूँ, विच इज़ माई फेक बैंक बैलेंस और फेक कैश विच इज़ नॉट जनरेटिंग एनी थिंग, और इसको यहाँ यहाँ लगाता हूँ, तो होगा क्या, मेरे रिटर्न रेशियोज ख़राब हो जाएंगे। ROC जो होती है, इक्विटी प्लस डेब्ट और वो सब चीज़ें कर जो मैं करते हैं, वो मेरे रिटर्न रेशियोज ख़राब हो जाएंगे। तो इस बोगस रिसीवेबल को मैं कहाँ छुपा सकता हूँ? मैं अपने फिक्स एसेट्स में छुपा सकता हूँ या यहाँ छुपा सकता हूँ। लेकिन ये करने से क्या होगा, जो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगेगा। आज मानो मेरा 1,000 करोड़ का एसेट है, 2018 में 1,000 करोड़ का एसेट 2,200 करोड़ की सेल करता है, सो 1:2.2 का रेशियो आता है। जैसे ही मेरा ये एसेट का नंबर बढ़ता जाएगा, इसके कंपैरिजन में मेरी सेल नहीं बढ़ेगी, तो ये जो मेरा रेशियो है ये गिरता चला जाएगा, ROA कम हो जाएगा ना सर? ROE भी कम हो जाएगा और आपका रिटर्न ऑन कैपिटल भी कम हो जाएगा, दोनों ही चीज़ें कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ, उसको ही पढ़ना। एक और महान कंपनी है जिसके ऑडिटर ने ये लिखा है, ये पढ़ना, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, इसको पढ़ो। क्या ये सही है गलत है, कौन बता सकता है? हाँ 10 मिनट में करो, बोल दो उसको। क्या ये सही है गलत है कौन बता सकता है? बिल्कुल, हाँ बहुत ज्यादा ईमानदार लग रहा है, क्योंकि जब डिस्पैच हो रहा है तभी दे आर शोइंग दिस वैल्यू इनटू द सेल्स एंड अक्रूअल बेसिस पे वो ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर गेटिंग अस, अच्छा सो दैट मीन ईमानदार है, ठीक है। एनीबडी एल्स? कोई तो अकाउंटिंग सिस्टम में जनरली सेल्स एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एट दिस टाइम ओनली, आई थिंक एट द डिस्पैच ऑफ सेल्स एज वेल एज व्हेन द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, ओके। बट दैट डजंट मीन द कैश इज गेटिंग नहीं, रिफ्लेक्टेड इन कैश द की बुक्स। हम कैश की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ टॉप लाइन की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल हमने देखा था जहाँ पे ऑडिटर कह रहा था कि सेल्स उसने बढ़ा के दिखाई है जितनी एक्चुअल सेल्स है नहीं, उसने बिल बिल चेक कर रहे होंगे ऑडिटर ने। यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर द इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज नॉट द ऑडिटर ओपिनियन, दिस इज द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। नो इस पॉइंट नंबर बी अ गुड पॉइंट, टू मेंबर्स आर सेइंग कि ईमानदार है और सेल्स रिकॉर्डेड, दैट इज फाइन। एनीबडी एल्स हैज एनी ओपिनियन ऑन दिस? सर ये बंदा कैश में भी मार्केट कर सकता है, मतलब वो मटेरियल ला के बना के बेच दिया लेकिन अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं आई। नहीं नहीं सर, समझा नहीं, मतलब मटेरियल ला के बना के बेच दिया पर अकाउंट में एंट्री नहीं आई, कैसे?
सर मैं अभी भी नहीं समझा, सॉरी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? He can generate black money by this. Means he is using that facility to produce the goods and selling it as and when it is ready on cash basis. And then he is not entering them in anywhere. No, he is entering them. He is saying ki I am as the goods are dispatched, I am recording the sales in my books of accounts, which is exclusive of all the excise duty, VAT, GST, जो भी चीजें था, वो ना annual basis. हेलो सर, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो ड्यूटी और वो सब जो लगेगा वो अकाउंट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि सेल्स का फिगर ज्यादा आएगा? नहीं नहीं, वो कह रहा है ना, ये मैं सिर्फ वही सेल्स बता रहा हूँ जो मेरे एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस के अलावा है, ठीक है? नेट सेल्स, ग्रॉस सेल्स माइनस एक्साइज टैक्सेस इज नेट सेल्स. वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू नेट सेल्स, व्हिच इज परफेक्टली फाइन. नहीं सर, ये दिस इज परफेक्ट, बिकॉज जो लिस्टेड कंपनी होती है और जो टैक्स ऑडिट में होती है, एवरीवन हैज टू गो थ्रू अक्रूअल बेसिस, दे कांट गो ऑन अ कैश बेसिस. तो एवरीबॉडी फील्स दिस, तो ये तो दे कांट गो ऑन अ कैश बेसिस, दे हैव टू गो टू अक्रूअल. या यू आर राइट, सो एवरीबॉडी फील्स दिस इज करेक्ट. हां कि नहीं? बी कॉन्फिडेंट सर. श्योर? हाँ कि नहीं? एटलीस्ट कन्फर्म. यस सर, यस सर, डिस्पैच. या अगर मैं बोलूँ इसमें इसमें गोलमाल है तो अब एक लाइन ध्यान से बोलता हूँ, आप समझना, ठीक है? मान लीजिए एक कंपनी ए है, जो कि ये कंपनी है, इसने बी कंपनी को या किसी बी कस्टमर को माल बेचा, और जैसे ही इसने गुड्स डिस्पैच करे, अपने गोडाउन से ट्रक भर के बाहर निकाला, इसने सेल रिकॉर्ड कर ली. बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बंदा जो बी है या वो कंपनी है या वो निकले, उसने माल इससे ऑर्डर ही ना किया हो. ऐसा भी तो हो सकता है इसके माल में कोई खोट हो, कोई डिफेक्ट हो, और वो ऑर्डर एक्सेप्ट ही ना करे. 100 करोड़ का कंसाइनमेंट में से वो 30 करोड़ का ही माल एक्सेप्ट करे, 70 का रिजेक्ट कर दे. ऐसा भी तो हो सकता है ये अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल बेच दे और सेल रिकॉर्ड कर ले. आप बोलो, आइडियली लिस्टेड कंपनीज डू अकाउंटिंग ऑन अक्रूअल बेसिस, विच इज परफेक्टली फाइन, बट व्हेन द रिस्क एंड व्हेन द ऑब्लिगेशंस एंड व्हेन द टोटल कमिटमेंट ऑफ द गुड्स डिस्पैच्ड और सोल्ड आर ट्रांसफर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, दैट इज द वे व्हेन यू रिकॉर्ड सेल्स. अब सलमान खान का नाम किसने सुना है? अरे यार, मैं तो नाम की बात करूं. दूसरा सलमान खान साहब का एक ब्रांड है, जानता कोई? बीइंग ह्यूमन के स्टोर्स हमारे हर शहरों में हैं. यस, जहां पर सलमान साहब का बर्थडे होता है तो उतना परसेंट डिस्काउंट मिलता है. एक कंपनी थी जिसका नाम था बंदारा रिटेल, उसका उसके छोटा भाई था जिसके पास ये सलमान खान की एजेंसी थी, फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी थी. राकेश जुनजुनवाला भी रखा हुआ शेयर उसके. आप गलत जगह जा रहे हो मेरे जी, चार से सुनो. द मंदाना रिटेल वेंचर्स का सेलिंग करने में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और चैनल्स को या अपने आउटलेट्स को, शोरूम्स को, एक क्लॉज है उसके कंपनी के अंदर कि अगर आपका 3 महीने में माल नहीं बिका तो मैं वो माल वापस ले लूँगा, आप मेरा माल बेचो. सलमान खान साहब की ब्रांड वैल्यू चलती है, तो 3 महीने के बाद जितना माल नहीं बिकता था, अब सर्दी के कपड़े भेजे और सर्दियाँ 3-4 महीने में ख़त्म होगी, जो माल नहीं बिकता था वो फ्रेंचाइजी स्टोर वाला उठा के कंपनी को वापस भेज देता था. लेकिन कंपनी ने तो TMRVL ने तो सेल्स रिकॉर्ड कर ली, बाद में आप एक्सेप्शनल आइटम्स करोगे, इनवर्ड एंट्री करोगे, रिवर्स ऑफ सेल्स करोगे. ज़रा आप अपने अपने चार्ट खोल के
चाहे राकेश जी हो या राकेश जी के चाचा जी बैठे हो, जरा देखना मंदाना रिटेल वेंचर्स का पिछले 1.5 साल में चार्ट में क्या हुआ, आपको पता चल जाएगा। इस वर्कशॉप का हमारा फोकस यही था कि हम ब्लाइंडली आंख बंद करके किसी को फॉलो ना करें और अपनी समझ बढ़ाएं। और नीरज जी ने क्या बोला कि राकेश ने लिया हुआ है, तो अगर सर मैं नंबर ऑफ कंपनी आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में। सर चेंज चेंज द चेंज द क्विक डिसीजन मेकिंग, मेक योर डिसीजन स्लोअर। वी आर हेयर टू लर्न, वी आर नॉट हेयर टू डिपेंड अपॉन एनीबडी। ट्रस्ट नोबडी, डोंट इवन ट्रस्ट मी, जस्ट स्लो डाउन द प्रोसेस, अपने आप चीज़ें आ जाएंगी। अगर कोई कंपनी सेल्स कर रही है और सेल्स रिटर्न ले रही है 2 महीने में या 3 महीने में बिफोर द क्वार्टर एंडिंग, और उसको अकाउंट कर रही है नेक्स्ट क्वार्टर में, तो आपका वो क्वार्टर तो पूरा डिस्टॉर्ट हो गया ना। स्टॉक प्राइस देख लो, मैं तो नहीं बोलता, स्टॉक प्राइस देख लो। नाउ दिस वन लाइन ओवर ईयर, दिस वन लाइन ओवर ईयर वॉज प्रिटी एविडेंट वॉट दिस कंपनी वॉज डूइंग। सो लेट्स नाउ गो टू दिस कंपनी इन स्क्रीनर एंड सी वॉट हैज हैपन। हम क्वार्टरली पे चलेंगे जो कि हम उसको ही देख रहे हैं। सी वॉट हैज हैपन, अगर मैंने गुड्स डिस्पैच करने पे ही अपनी सेल रिकॉर्ड कर ली और बाद में मेरे कस्टमर ने मेरे को जूता मार दिया कि यार तेरा माल अच्छा नहीं है, साफ नहीं है, सुथरा नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, हम रिजेक्ट करते हैं, तो आगे आने वाले समय में मेरी सेल्स को क्या होता जाता है। बिकॉज आई एम नॉट इवन वेटिंग फॉर माई कस्टमर टू एक्सेप्ट माई मटीरियल, गेट इट। तो जब ये ही लाइन मेरी ऊपर की ये टॉप लाइन ही खराब हो गई, तो फिर ये जो बाकी इतना मैं ये झमेला कर रहा हूँ नीचे, इतनी ये सब चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब बेकार है, राइट। तो किसी ने देखा मंदाना रिटेल वेंचर्स का क्या हुआ है पिछले साल 2 साल में? सर वन क्वेश्चन हो गया। यस प्लीज सर, नाउ वी नो दैट ओके सेल्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट गेट्स एक्सेप्टेड बाय यस यस द सेकंड पार्टी। यस सो आई मीन विल दिस गेट रिफ्लेक्टेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट यस व्हेनेवर वी ओपन एनी अ कंपनी लाइक ओके दिस इज द प्रोसेस और हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट ओके व्हेन दैट काइंड ऑफ सेटअप दैट यू आर सेइंग इज मेंशनड इट विल दैट बी विल बी स्टेटेड लाइक दिस दैट वुड बी मेंशनड इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। आई विल ओपन वन कंपनी और यू टेल मी वन कंपनी व्हिच आई शुड ओपन, आप बताओ। आई विल नॉट ओपन, आप मुझे कोई कंपनी बताओ, बताओ कोई भी कंपनी। लेट्स चेक दैट कंपनी, रिलैक्सो रिलैक्सो फुटवेयर। लेट्स ओपन द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, अभी हम कुछ भी नहीं देख रहे इसमें, एंड लेट्स गो टू स्टेट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट गवर्नमेंट ग्रांट्स और ये सब चीजें, एक मिनट, इम्पेयरमेंट ऑफ, नो दीज आर माई नोट्स टू अकाउंट्स। एक वैसे सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप वो सीधा क्लिक कर सकते हो, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, शायद पीडीएफ का, वे यू कैन जस्ट पुट द वर्ड एंड टेक यू दैट टू दैट लोकेशन। ये मेरा इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट हो गया, ये एनेक्सर बी हो गया, ये सब चीज़ें होंगी, कैश फ्लो आ गया। अभी यहाँ पर मेरा नोट्स टू अकाउंट्स में मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन आना चाहिए, रेवेन्यू एक में है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लास्ट ईयर रेवेन्यू मेजर डिपेंडेंस दिस COVID-19, ये लो ये रहा, पढ़ लो। द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज अपॉन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स टू द कस्टमर एंड दस रिक्वायर्स एन एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द रिबेट्स एंड डिस्काउंट्स एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये रहा वो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स टू द कस्टमर। आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
right? So the first step in analyzing any sales is to look for this thing, to understand whether those things are genuine or some kind of loopholes are there. Then only we should proceed with other aspect of the company. Definitely. और ये हमारे को कहाँ मिलेगा, या तो हमारे को ऑडिटर पॉइंट आउट करेगा की ऑडिट मैटर्स में, या हमारे को मिलेगा जस्ट गो एंड सर्च फॉर दिस लाइन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रिफर टू नोट नंबर 21 एंड 30. लेट्स सी व्हाट इज नोट नंबर 21. वी हैव ओपन अप अ रैंडम कंपनी, नोट नंबर 21. कौन सा नोट नंबर है? Now he says refer to row number 44 and 46. So यहाँ पर वो ही सेल्स रिकॉर्ड कर रहा है. डिस्काउंट उस्काउंट देने के बाद जो मेरे हाथ में नेट रियलाइजेशन वैल्यू आएगी, अब मेरा कस्टमर मेरा माल को एक्सेप्ट कर ले. So this is how do we recognize the sales, and there were two examples which I showed you ki what we can, how we can get to the detailing of it. So now I'll open this company Bella Casa Fashion. मीनवाइल किसी ने वो चेक करा TMRVL का स्टॉक प्राइस चार्ट जो हम लोग बात कर रहे थे? सर, इट इज 15 रुपीस राइट नाउ. और कहां से, मतलब ऊपर बढ़ रहा है कि गिरता आ रहा है? 215 से 175, फिर उसके बाद नीचे गिर गया वो फ्रॉम आई थिंक 2019 से 2018. एंड क्या था सिंपल लाइन? सेल्स रिटर्न. नाउ वन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी रेड कि अगर मैं डिस्पैच पे सेल्स को पकड़ लेता हूँ तो आई कैन ऑल्सो बी सेंडिंग माई गुड्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस. नाउ डजंट दिस थिंग टेल मी दैट? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365. सो डजंट दिस टेल मी दैट? यस. चलो मान लो यहाँ तो कोविड आ गया तो प्रॉब्लम हो गई, सब कुछ हो गया. यहाँ तो कोविड नहीं था ना, और यहाँ तो नोटबंदी भी नहीं. नोटबंदी 2016 में हुई थी. सो डजंट दिस टेल मी दैट? मैंने बिल रेस कर दिया, इनवॉइस चालान रेस कर दिया, तो दूसरे गोडाउन पर ले जाके माल खाली कर दिया. और इफ दिस इज मतलब फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस है, फैशन वाला बिजनेस है, मैं बेडशीट्स का काम कर रहा हूँ. सपोज आई हैव गॉट 200 लोकेशंस, 200 आउटलेट्स फ्रेंचाइजीज जो मेरे से मेरा प्रोडक्ट ले रहे हैं, एंड आई एम एग्रीइंग टू देम कि मैं आपसे सेल्स रिटर्न ले लूँगा, एंड जो माल नहीं बिका तो मेरी गाड़ी आएगी, आप उसमें माल भरो, आपकी दुकान से उठा के मैं किसी दूसरे स्टोर पर वो माल डाल दूँगा. सो दे विल कम अ पॉइंट वेयर आई विल गेट एग्जॉस्टेड कि मैं नया माल किसको दूँ. एक शोरूम में नहीं बिका तो मैंने दूसरे शोरूम में डाल दिया, बड़े शहर में नहीं बिका मैंने छोटे शहर में डाल दिया. अब उस छोटे शहर वाले आउटलेट के पास या रिमोट लोकेशन वाले आउटलेट के पास जगह तो उतनी है ना, और मैं रिजेक्टेड स्टॉक उठा के डाल रहा हूँ तो नया माल कहाँ से जाएगा? बट प्रॉब्लम यह है कि जल्दीबाजी में और चार्ट देखने की हड़बड़ाहट में हम लोग ये चीज़ कभी सोचते ही नहीं है. ठीक है, हेल्पफुल और नो? यस सर. नाउ लेट्स गो टू द ईयरली शीट. चीजें सब सेम है. दिस इज माय ईयरली सेल्स एज रिपोर्टेड. ये मेरा सेल्स ग्रोथ हो गया. अब यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब है नहीं, क्योंकि हम ईयरली चल रहे हैं. यहाँ मेरा देखो, यहाँ से यहाँ तक मेरी सेल्स ईयरली बड़ी शानदार ग्रो कर रही थी. यहाँ से कहानी प्रॉब्लम आने लगी. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज माय सेल्स माइनस माय रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड माय चेंजेस इन इन्वेंटरी.
मैं ये पहले आप लोगों को बता चुका हूँ व्हाट इज चेंजेस इन इन्वेंट्री, कैन एनीबडी रिपीट व्हाट इज चेंजेस इन इन्वेंट्री एंड व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू एंड द पॉजिटिव वैल्यू मीन ओवर हियर? सर नेगेटिव वैल्यू मींस ही हैज द इन्वेंटरी विद हिम, मटेरियल इज रेडी बट ही कुड नॉट सेल अप, एंड पॉजिटिव वैल्यू मींस ही हैज सोल्ड मटेरियल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर इन दिस ईयर. राइट, एंड व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट. सेल्स माइनस माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज माय ग्रॉस प्रॉफिट, जो मेरा मटेरियल मेरे सेल से डायरेक्टली लिंक्ड है, विच इज द सम ऑफ दीज टू लाइंस. सो दिस इज माय ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज माय, इसके बाद आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज व्हाट, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस माय खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और ये सारे खर्चे, अदर एक्सपेंसेस, ये मेरा आ गया ऑपरेटिंग. सर एक क्वेश्चन है यहां पे, हां पूछो सर. ये जब हम इन्वेंटरी पॉजिटिव लेते हैं तो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट दैट इन द पॉजिटिव इन्वेंटरी नीड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द यस सेल्स एंड नेगेटिव इन्वेंटरी नीड टू बी एडेड. यस सर. Okay, thank you. That was my other income, जो इस कंपनी की कभी रेड पे है कभी ग्रीन पे है. Then comes my EBIT, which was this line. Then the margin, EBIT growth YOY, bank का interest, depreciation. आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हैं, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग की जरूरत है नहीं आपको. पीबीटी, पीबीटी मार्जिन्स, टैक्स, टैक्स मार्जिन्स एंड पीएटी. सर सर आई हैव अ क्वेरी, रो नंबर 11 इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन एज वेल एज टैक्स राइट? आई मीन ऑल ऑफ दैट राइट, रो नंबर 11? नो सर, दिस विल नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, दिस विल एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन. एबिटा विल इंक्लूड डेप्रिसिएशन. This is not EBITDA, this is EBITDA. Okay. Tax, tax margin, net profit margin, the total debt of the company. Simple, ज़्यादा कोई इसमें कुछ है नहीं. और यहाँ पर क्या है कि sales मेरा कितना x grow किया है in last 10 years, total gross profit क्या हो रहा है, and this is my total operating profit. ये सब lines का total है, टोटल नेट प्रॉफिट. ठीक है, दिस इज डेप्रिसिएशन. अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले डिस्कस करे हैं क्वार्टरली में, माय इंक्रीमेंटल ओपीएम. राइट, लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था, इंक्रीमेंटल ओपीएम. एंड इन दिस नेक्स्ट लाइन वी हैव अ 5 ईयर रोलिंग ऑफ द इंक्रीमेंटल ओपीएम. आई होप क्लियर टिल लाइन नंबर 26, देयर शुड बी नो डिफिकल्टी. उधर हम क्वार्टरली देख रहे थे, इधर हम ईयरली का डेटा देख रहे हैं. नेक्स्ट कम्स माय कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन बुक, एंड हियर आई हैव केप्ट द मार्केट कैप इन लाइन नंबर 28. ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? यस सर. अगेन दिस इज द ग्रोथ बॉक्स, सेल्स ग्रोथ, ओपीएम, कैपिटल एम्प्लॉयड, पैट, जीपी ग्रोथ, डेटर ग्रोथ, ये ऑपरेटिंग इनकम ग्रोथ, नेट फिक्स एसेट ग्रोथ, एवरेज पीई, अदर एसेट्स, ये सब चीज़ों का ग्रोथ बॉक्स है अलग अलग टाइम्स के हिसाब से. सीएफओ और एफसीएफ, यह फॉर्मूला कुड बी रॉन्ग, आई विल कलेक्ट दिस फॉर्मूला एंड गिव टू यू अगेन. एसेट्स, एबिटा एंड एबिट ग्रोथ. अब ये कंपनी के हम जो बात कर रहे थे एमटेक ऑटो, वो हम बात कर रहे थे, दिस वाज आई थिंक कौन सा साल था, नॉट टू श्योर, ये शायद 2012 या 13 था, ये जो हमने ये खोला हुआ है, आई थिंक 2012 था ये, सॉरी 2013 था ये.
which was year? And the company was had reported 450 crores of profit. 2013 में मेरा stock price was very good. और हमको एक doubt हुआ इसके accounting policies में. Amtek 2013. ओह तब तक तो कहानी खत्म हो चुकी थी. द स्टॉक इज ऑलरेडी फॉलिंग फ्रॉम 2008. अब डेटा नहीं है मेरे पास 2008 में, तब तक तो कहानी खत्म हो चुकी थी. बट फिर भी 2013 के बाद प्रॉफिट वॉज राइजिंग इन द स्टॉक. वेंट 50 रुपीज़, वेंट अप टू 250 रुपीज़, 5 bagger. और ये यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट है, यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट है, और यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट है. तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं. और मेरे नंबर्स और ये नहीं है, और मेरे नंबर्स और मेरे जो चीज़ें आ रही हैं ये भी बहुत अच्छा है. ठीक है, अच्छा है ना. अब आपने आगे का देख लिया तो आपको पता आगे क्या हुआ. लेकिन सेल्स यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था जो हमने इसके अकाउंटिंग पॉलिसीज में जाके देखा. चलो एक मिनट के लिए मान लो कि मैंने इसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज पे जाके नहीं देखा होता, तो क्या मैं सिर्फ इस डेटा को पकड़ के, अगर मेरे पास ये डेटा नहीं होता, पता कर सकता था? पॉइंट नंबर वन, कि इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है. पॉइंट नंबर टू, जब मेरे सारे दोस्त लोग ब्रेकआउट ब्रेकआउट खेल रहे थे और पैसा बना रहे थे और मेरा 50 रुपये का शेयर 250 रुपये हो रहा था, क्या मैं अपने दिमाग को स्टेबल और सही रख सकता था? इसका आंसर तो नो है, ये तो मुझे पता है. इसका आंसर तो नो है, कोई भी नहीं कर सकता था. बट क्या जो ये हाईलाइटेड बॉक्स है, अगर मेरे पास ये मान लो इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, नो इट विल नॉट हैपन ब्लैक बिकॉज कुड आई हैव सीन समथिंग इन दीज 2-3 ईयर्स. इंक्रीमेंटल ओपीआई माइनस में चला गया. इंक्रीमेंटल ओपीआई माइनस में चला गया, वो 3% है, कोई बात नहीं. बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. आप ये देखो मेरा सेल कितना है, 3,000 करोड़, और मेरा कर्जा कितना है. अरे 3,000 करोड़ में से मैं 450 करोड़ कमा रहा हूँ, उसी में से तो मैं इंटरेस्ट चुकाऊंगा या कर्जा चुकाऊंगा या डेब्ट चुकाऊंगा. चलो इंटरेस्ट तो मैंने इस साल का इंटरेस्ट यहाँ दे दिया, अब मुझे कर्जा भी तो चुकाना है. मेरे रेवेन्यू से डबल मेरा कर्जा है, तो कहाँ से मैं जिंदा रहूँगा. लेकिन नहीं, मेरा स्टॉक तो 5x हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट मिल रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स कह रहे हैं नहीं ये तो बहुत अच्छा कंपनी है. इसको आप 3 ईयर चार्ट कर देते हैं या 5 ईयर चार्ट कर देते हैं, नहीं आएगा उसमें भी. ये यहाँ से आ जाओ, मेरा माउस पॉइंटर जा रहा है. यहाँ तो टेक्निकल ब्रेकआउट मिल रहे हैं और ये क्या शार्प रैली है ये. एंड सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. कैन यू शो दिस ब्लैक, यहाँ पे एक चीज मुझे दिखी, ये जो ब्लैक हाइलाइटेड किया है ना, वो जरा उसको हटाएंगे सर. हटा दिया सर. इसमें देखने जैसी बात है, कैश प्लस इन्वेस्टमेंट मेरा देखिए 830 से 856, उसके बाद सीधा 187 पे आ गया, और मेरा मार्केट कैप तो सीधा 68 पे आ गया. तो ये तो कुछ इन्वेस्टमेंट ही मेरा सीधा 800 से सीधा 200 पे आ गया, और मार्केट कैप तो एकदम नीचे ही धड़ देके गिर गया. बट दिस इज टू थिंग्स आई हैव सीन, एकदम ये नजर पे आ गया सर. कैपिटल तो मेरा माइनस 1400 करोड़. एक तो मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ही गलत था, तो दिस नंबर वाज बोगस. और मेरा जो डेप था इन द लास्ट 2 इयर्स, माय रेवेन्यू फ्रॉम 2000 वेंट टू 3000, माय डेप फ्रॉम 3200 वेंट टू 6000. यस ओके. आप लोग के पास पेपर एंड पेन है? यू हैव पेपर एंड पेन विद यू? यस सर. सो आई हैव गॉट वेरी सिंपल थिंग. आप लिखो, आई गॉट 3 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, शायद पहले भी कर चुके हैं हम. 1 पेज मी इंटरेस्ट ऑफ 5% ऑन माई मनी विच इज़ 1 लाख रुपीज़. अनदर 1 पेज मी इंटरेस्ट ऑफ
10% of my money. Which one is better? कौन सा बैंक अकाउंट अच्छा है? बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट में मुझे 5% का ब्याज मिलता है, दूसरा बैंक अकाउंट में मेरे को 10% का ब्याज मिलता है, दोनों में मेरे 1-1 लाख रुपए डाल रखा है, कौन सा अच्छा है? ये वाला अच्छा है सर। नहीं, बट इफ आई वॉन्ट टू डबल माई इनकम विद द 5% अकाउंट, वॉट आई कैन डू इज आई कैन पुट 2 लाख रुपीज इन इट, राइट? सो 2 लाख से पर 5% विल गिव मी हाउ मच? 10,000, एंड द फर्स्ट वन इज गिविंग मी 10,000 एंड द 1 लाख रुपीज। सो जो 5% वाला अकाउंट है उसमें क्या हुआ, मेरी EPS बढ़ गई, मेरी अर्निंग्स बढ़ गई, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ गया, अर्लियर इट वॉज 5,000, नाउ इट इज 20,000। अगेन इफ आई वॉन्ट टू डबल माई इनकम इन द फर्स्ट अकाउंट, वॉट कैन आई डू? आई कैन अगेन डबल माई मनी फ्रॉम 2 लाख टू 4 लाख। तो मेरा जो इनकम है दैट विल बी 20,000, राइट? अर्निंग बढ़ गया, EPS बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, स्टॉक भाग जाना चाहिए, है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है ना सर उसके लिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा है, इसीलिए ये है कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली लुकिंग एट द EPS एंड कमिंग टू अ कंक्लूजन कि मेरा EPS बढ़ गया है, मेरा स्टॉक तो भाग जाना चाहिए, इज प्रॉब्लमैटिक। EPS बढ़ाने के लिए अगर आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो तो ऐसी EPS का क्या फ़ायदा, वो आपको नुकसान दे रही है। राइट? अगेन, EPS बढ़ाने के लिए अगर मैं मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाता जा रहा हूँ जो कि इक्विटी और डेब्ट हो सकता है, तो ऐसे EPS का क्या फ़ायदा, वो मुझे खड्डे में ले जाके गिरा देगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, मेरा तो टेक्निकल कह रहा है कि ये 5x हो गया, क्या इसको देखोगे, क्या इसको देखोगे या इसको समझोगे? फाइनेंशियल को समझ। लेकिन नहीं, आज तक तो हम सिर्फ चार्ट देखते थे और ब्रेकआउट। बट गुरजीत भाई, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। यू आर सेइंग दैट ओके, EPS इंक्रीज हुआ एंड उसके लिए कैपिटल का एलोकेशन ज्यादा किया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। बट इसको एक अदर वे से भी तो देख सकते हैं ना कि हाँ, टू आई मीन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा जनरली अच्छे से किया कैपेक्स वगैरह में, और उसके बाद मेरा EPS बढ़ा, सो इट्स ए डबल डिजिट शॉट। यस, the sales was bogus and that way we can identify ki haan ye galat hai, fir debt bhi zyada ho raha, that was the red flag. But basing our decision only on this EPS because of the new capital requirement or increase in capital employed could be bit like hum log ko do char jagah se check karna padega, right sir? I think you have only seen the capex wala webinar, but in that webinar I had discussed ki there is a reverse side of capex which basically nobody wanted to study because वो technical और breakout spending है, there is a reverse side of capex. When you attend that session and understand that, ये जो आपका question है, this will get automatically answered. webinar है क्या सर? करूँगा सर, पर अभी किसी reverse capex का? reverse capex का है मेरा plan है, पर किसी को interest नहीं है ना अभी market थोड़ा गिर रहा है, अभी सबको breakout खेलना है। किसी भी एनालिसिस रिपोर्ट पे या किसी भी न्यूज मीडिया चैनल में या किसी भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर वो फोटो आती है कि दिस इज़ द टॉप लाइन ग्रोथ एंड दिस इज़ द EPS ग्रोथ, वहाँ कहीं भी ये लिखा आता है या आपको कुछ डिटेल मिलती है कि दिस इज़ द कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रोथ?
बिकॉज द मैनेजमेंट और द स्मार्ट पर्सन डज नॉट वॉन्ट यू टू लुक एट दिस थिंग सो दे विल नॉट प्रेजेंट यू विद दिस इंफॉर्मेशन एंड इवन इफ यू दे प्रेजेंट यू विद दिस इंफॉर्मेशन दे विल हाइड इट इन सच अ वे दैट यू विल नॉट बी एबल टू डिकोड दैट सो दिस इज द रीजन वाई डू यू थिंक द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस फुल शीट इज क्या गया वो इज द टी टी एम आर ओ सी लाइन वाई आई हैव केप्ट दिस लाइन ओवर हियर एंड वाई आर दीज नंबर्स इम्पॉर्टेंट दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन गेटिंग इट I'll give you one example. यहाँ पर ये कंपनी क्या है चलो उसको छोड़ो पी आई इंडस्ट्रीज ये कंपनी पी आई इंडस्ट्रीज है और हम यहाँ पर देख रहे थे कि ये कैपेक्स कैपेक्स हो रहा है और ये कैसे सब चीज़ें होती हैं हमको पता है एक कंपनी और दिखाता हूँ विनाती ऑर्गेनिक्स सबने सुना है सबने कभी ना कभी ट्रेड भी किया होगा सबने इसमें कुछ ना कुछ करा भी होगा यहाँ पर कितना कैपेक्स हुआ है यहाँ तक जहाँ मेरा हाईलाइटेड है फ्रॉम 2014 टू 2017 इसमें नोटबंदी भी आ गई बट फ्रॉम 2014 टू 2017 द सेल्स डिड नॉट पिकअप राइट बट सी व्हाट हैपेंड टू द प्रॉफिट्स The reverse side of capex, and when these things happen, and when these things work out, 2014-2017, अभी मुझे नहीं पता स्टॉक प्राइस का क्या हुआ है देखते हैं स्टॉक प्राइस का क्या हुआ है 2014 till 2017 यही तक 14 प्री पोस्ट प्लेट प्राइस वॉज 46 rupees 2017 400-500 rupees मार्च का क्वार्टर ये इट वॉज अ 10x और उसके बाद ये तो बहुत सर फ्रॉम 422,000 बट दिस वॉज अ 10x पीरियड द रिवर्स साइड ऑफ कैपेक्स क्योंकि बाद में ये एक साइक्लिकल कंपनी जो है वो कैपेक्स में आ गई और बाद में कैपेक्स वाली स्टोरी चलने लग गई यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक अब इस रिवर्स साइड ऑफ कैपेक्स में क्या चल रहा था 14 से 17 तक मेरे पास बोरिंग तो थी नहीं इट वॉज डन बाय इंटरनल जनरेशंस बिकॉज देर वॉज वेरी लेस रिक्वायरमेंट एंड वेरी लेस स्कोप फॉर मोर कैपिटल टू बी पुश्ड इनटू द बिजनेस सो सिर्फ यहाँ पर एक सवाल 2014 से 2017 तक क्या ये डिविडेंड दे रहा था क्योंकि अगर ये डिविडेंड नहीं दे रहा था तो इसके बिजनेस की एफिशिएंसी नीचे जा रही होती एंड इफ आई सी 2014 से 2017 चौदह से 17 ही वॉज पेइंग फॉर डिविडेंड्स 17% 16% 16% राइट सो दिस इज द रिवर्स साइड ऑफ कैपेक्स अपने पास ही रखा और वही पैसा सब कैपेक्स में डाल देंगे दिस वॉज ग्रोइंग ड्रास्टिकली डबल हो गया ये 70 करोड़ से 38 करोड़ दिस वॉज ग्रोइंग ड्रास्टिकली So we'll get more to this. So अब आपके पास एक क्वार्टरली शीट है यू कैन प्ले अराउंड विद दिस यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग यू कैन नाउ यू नो रेवेन्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एंड वी नीड टू गेट टू रेवेन्यू फर्स्ट अगर सारी सेल्स ही झूठी है तो फिर कैसे काम हो सकता है और इफ़ यू कैन डू स्कटल बार्ट यू कैन विजिट स्टोर्स पीपल आस्क क्वेश्चंस अबाउट द सेल्स ऑफ द बिजनेस राइट ठीक है गाइस आज के लिए